इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। ढिंडोरी जिला पंचायत के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में तारा तंबू शासकीय आवंटित होने के बाद भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जिला प्रशासन शासकीय बंगला खाली कराने में हुआ नाकाम। जिला ढिंडोरी पंचायत के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परशते ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में तंबू तान कर अपना निवास स्थान बना लिया है। रुद्रेश परशते अब इसी बंगले के नीचे रहकर आमजन समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। दरअसल नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को शासकीय बंगला आवंटित तो हुआ, लेकिन जिला पंचायत को पूर्व जिला अध्यक्ष व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य के कब्जे से जिला प्रशासन शासकीय बंगले को खाली नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने बताया है कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से ग्रामीण समस्या लेकर पहुंचते हैं, लेकिन ढिंडोरी में निवास स्थान न होने की वजह से ग्रामीणों को मायूस लौटना पड़ता है और उनके काम नहीं हो पाते हैं। शासकीय बंगला आवंटित होने के बाद भी उन्हें बंगला न मिल पाने की वजह से उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय के परिसर पर ही तंबू तान दिया है और अब इसी तंबू के नीचे रहकर जिला पंचायत के अध्यक्ष ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि राजनीतिक दबाव के चलते पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से जिला प्रशासन बंगला खाली नहीं करा पा रहा है, लिहाजा उन्होंने यह कदम उठाना पड़ा। मैं अभी 3 महीने से देख रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से मिलने आती है, उनको काफी परेशानी जाती है। जो शासकीय आवास आवंटित होना था मेरे को, वो अभी तक शासन प्रशासन द्वारा मेरे को दिया नहीं गया है, और क्षेत्र की जनताओं का कहना है कि साहब आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं अभी वर्तमान में अस्थायी अपना निवास बनाकर यहाँ जिला पंचायत के इस कैंपस के अंदर तंबू लगाकर अपना रहने की व्यवस्था की। आपको आवास आवंटित हुआ था? आवास आवंटित लेटर के बाद खाली होने की प्रत्याशा पर किया गया था। जो ये गुमराह कर रहे हैं, इनका मूल नहीं है मेरे आवास का। अभी कौन कर रहा है? अभी वहाँ पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य के प्रति। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? क्या यहीं पे रह के समाज की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, या और आगे कोई कदम उठाएंगे? देखिए, मेरे को क्षेत्र की जनता ने चुनकर लेके आया है कि मैं उनका साथ दूं, उनके जो भी समस्या है उस पर मैं कार्यवाही करूं, और वो मेरे से मिलने आते हैं। दिन प्रतिदिन मेरे से 150 से 200 लोग पर डे मिलने आते हैं, और सारी जनताओं को मेरे को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं तब तक यहाँ रहूँगा जब तक मेरे को शासकीय भूमि आवंटित नहीं जाती, शासकीय आवास आवंटन नहीं किया जाता, तब तक मैं यहीं पे टेंट लगाकर रहता। क्या जो पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो मतलब आवास खाली करने के लिए मतलब राजी है कि नहीं है? वो शासन प्रशासन की जवाबदारी है, कलेक्टर साहब की जवाबदारी है, उनको पता होगा कि वो खाली करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अभी तक तो वो क्या कहना चाहती हैं उनके बारे में वो साहब कलेक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि अभी तक मेरी उनसे बात हुई नहीं है। मैंने नियम के अनुसार कलेक्टर साहब से मांग किया था, पत्र जारी किया था, और अभी तक मेरे को शासकीय आवास दिया नहीं है। चुनाव के बाद आपको सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था, और वर्तमान में भी सुरक्षा गार्ड नहीं है, कहाँ है? चुनाव के दौरान सुरक्षा गार्ड दिए थे, पर कुछ दिनों के बाद वापस ले लिए, और मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आपत्ति लगाया गया है सुरक्षा गार्ड देने के लिए, और ये कहकर वापस आ गए। क्या ये नहीं लगता कि यहाँ राजनीति खेल खेला जा रहा है? जो बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से क्या कहते हैं, भाजपा की सरकार है आपके साथ, क्या कहते हैं कांग्रेस का आपका जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके साथ खेल खेला जा रहा है? ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। मैं कांग्रेस समर्पित जिला पंचायत अध्यक्ष होने के कारण मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटाई जा रही है, ये इनकी एक चाल है। ये एक तो मंच में कहते हैं कि प्रदेश की सरकार बीजेपी लोगों के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि लोगों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। क्या लगता है आपको कि क्या कहते हैं बीजेपी सरकार आपको आवाज दे? इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।